Dear students, welcome on RCI online Patsala. Now we discuss next question. X plus 2, x minus 1 ka whole square, x minus 5 greater equal to 0. देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे. और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये जो ट्रिक मैंने लिखवाई है इसको कम्प्लीटली ढंग से कर लेना और इन वीडियोस को काफ़ी बार रिपीट करना, क्योंकि इसका यूज़ सीधे का सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने वाला है. तो वहाँ पर आपको ये सब यूज़ करना है और बिना इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप नहीं पढ़ पाओगे. तो देखिए एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव ग्रेटर इक्वल टू जीरो. अब इसको कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दीजिए. देखो x इक्वल टू, अब क्वेश्चन की हम लेंथ नहीं बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को कैसे करें कि बहुत कम लाइन को यूज करें और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए. तो देखिए x प्लस टू इक्वल टू जीरो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस टू. ऐसे ही x माइनस वन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू वन. और यहां पे क्या होगा x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो यहां पे क्या आएगा x इक्वल टू फाइव. ये कंप्लीट हो गया. अब आप ये मत देखना कि यहाँ पर स्क्वायर है या नहीं है, जो भी है आपको तो ऐसे ही लिखना है केवल. और उसके बाद इनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए. यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव और यहाँ पर इन्फिनिटिव. और आप पॉइंट्स को ले लो माइनस टू, यहाँ पे वन और यहाँ पे आपका फाइव. और उसके बाद देखिए ग्रेटर इक्वल टू का मतलब है डार्क सर्किल. मैं कंप्लीट जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें केवल और केवल इस ट्रिक का यूज कर रहा हूँ. इसमें भी हल्का हल्का चेंज करेंगे लेकिन आप देखते रहिए. ग्रेटर इक्वल टू पे क्या आएगा डार्क सर्किल. तो मैं डार्क सर्किल लगा देता हूँ, इस पे भी बना दिया, इस पे भी बना दिया और इस पे बना दिया. अब एक चीज ध्यान रखना, अब तक हम जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने बताया था प्लस माइनस लगाना है. लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा. जब आपको इवन पावर मिले तो नो चेंज, और ओड पावर हो तो आपको चेंज करना है. क्या नो चेंज इन साइन और या फिर चेंज इन साइन. देखिए कैसे साइन को यूज करना है ध्यान देना. सबसे पहले आपको प्लस लगाना है, लगा दिया. और ये याद रखना पहले एक्स 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 इस तरीके से आना चाहिए. तो यहां पे आपने प्लस लगा दिया. अब फाइव पे क्या है एक्स माइनस फाइव, यहां से फाइव मिला था उसकी पावर क्या है वन. और वन क्या होता है ओड होता है, ओड होता है तो क्या करना है, क्या करना है चेंज करना है. चेंज का मतलब क्या है, पॉजिटिव था वो किसमें चेंज हो गया नेगेटिव में. पॉजिटिव था वो किसमें चेंज हुआ नेगेटिव में. अब वन देखो कहां से आया, वन यहां से आया है. एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो क्या था एक्स इक्वल टू वन. अब इस पे पावर देखो क्या है टू, और टू का क्या है इवन पावर है. तो इसका मतलब नो चेंज इन साइन, मतलब जो नेगेटिव था वो का वो नेगेटिव यहां पे आने वाला है. जो नेगेटिव था वो का वो नेगेटिव यहां पे आने वाला है. समझ में आ गया होगा कि जब आपको इवन पावर मिले तो उस टाइम साइन में कोई भी चेंज नहीं करना. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको पॉजिटिव यूज करना है, और नेगेटिव आ रहा हो तो आपको नेगेटिव साइन ही यूज करना है. तो देखिए अब उसके बाद माइनस टू कहां से आया, माइनस टू आया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो यहां से आपको माइनस टू मिला. और इसकी पावर क्या है वन, वन क्या है ओड है, तो नेगेटिव साइन किसमें बदल जाएगा पॉजिटिव साइन में. केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपको पावर में पूरा फोकस करना पड़ता है. और मैं ऐसा और एक एग्जांपल और लेके इन दोनों में कंपैरिजन भी अगले क्वेश्चन में कराने वाला हूं. तो उसके बाद देखिए ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसका मतलब आपका आंसर क्या रहा होगा प्लस वाला, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा पॉजिटिव साइन यूज करेगा. तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा. तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से
माइनस टू और फाइव से इन्फिनेटिव। उसके बाद देखो इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव पे क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट मैंने यूज कर दिया। उसके बाद देखो माइनस टू पे क्या है, डार्क सर्किल, डार्क सर्किल है इसका मतलब क्लोज इंटरवल। ऐसे ही फाइव पे क्या है, डार्क सर्किल, तो उसका भी क्लोज इंटरवल। और देखो जब आप टू और थ्री को ऐड करते हो तो प्लस लगाते हो, और वैसे ही अगर आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें क्या लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं। अभी भी मैं इसमें एक चीज बता रहा हूं आपको, देखो आपने माइनस टू इंक्लूड कर लिया, आपने फाइव इंक्लूड कर लिया, और आपको पता लगा कि माइनस टू से वन के बीच का कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा और वन से फाइव के बीच का भी कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। अब बात करते हैं वन की, वन को इसमें रख के देखो क्या आया, वन प्लस टू थ्री आ गया, और वन माइनस वन क्या हुआ, जीरो। इसका मतलब ये कंप्लीट जीरो हुआ, तो जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो इस टाइप से बन गया जब आपने इसमें एक्स इक्वल टू वन पुट किया है तब। और देखिए ये कंडीशन बिल्कुल क्या होती है, ट्रू। इसका मतलब क्या है, जीरो ग्रेटर देन जीरो और जीरो इक्वल टू जीरो। तो आप भले ही ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन इसमें ये तो कंडीशन सही है ना, तो आपको ये स्टेटमेंट क्या लेना है, ट्रू स्टेटमेंट लेना है। तो लास्ट में आपको यूनियन और वन को किस में रखना है, कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि वन भी इसमें शामिल है। आप इसमें रख के देखो, रख के देखा वन तो क्या आया, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। जैसे आप एग्जाम देते हो और क्वेश्चन आता है ए और बी, अब क्वेश्चन आया ए एंड ए और बी, तो क्या करते हो आप, या तो इसको करते हो या इसको करते हो, दोनों में से एक को ही करते हो। आप दोनों कर देते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और एग्जामिनर को पता भी नहीं लगता कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या है, आपने ये कर दिया तो भी काम चल जाएगा और ये कर दिया तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो ट्रू होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आप इस क्वेश्चन को दो से तीन बार देखिएगा क्योंकि इसी पर कंप्लीट बेस्ड है। अब अगले जो क्वेश्चन में हम इसका आने वाले वीडियो में कंप्लीट कंपैरिजन करवाऊंगा कि कब साइन चेंज करते हैं और कब साइन चेंज नहीं करते हैं।